वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। आज मेरे साथ में आयुष है। आयुष हमेशा अक्सर वीडियो के पीछे रहता था कैमरे के साथ, बट ये अब मॉडल जैसा दिख रहा है, जैसे कि हमारे बाकी पेशेंट्स ने भी बताया। और ये वीडियो इंस्पायर्ड है बॉब एंड ब्रेड से। मैं उसका भी चैनल देख रहा था, तो बॉब एंड ब्रेड ने कुछ बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस बताई थी जो मैंने कभी आप सबके साथ शेयर नहीं की थी। तो मैं वो सारी एक्सरसाइजेस शेयर करने वाला हूँ। ये उन लोगों के लिए है जिनको नेक में, शोल्डर्स में, अपर बैक में पेन रहता है। एंड ये वीडियो प्योरली एक्सरसाइज बेस्ड है, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। कोई भी क्वेश्चंस हो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आने वाले टाइम में ज्यादातर वीडियोस जो बनाएंगे, जो दिखाएंगे, वो एक्सरसाइज कंसर्न होगी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज सीख सकें और घर बैठे ही हम सबसे इलाज कर सकें। तो पहली चीज जो आयुष करनी है कि आपको घर एक शोल्डर उठाना है, हाँ, टाइट करना है, ऊपर सामने देखो, हाँ, टाइट करना है। ये आपकी नेक और शोल्डर के लिए, और एक गर्दन को इस तरफ से स्ट्रेच करना है आगे, देखिए, हाँ, और पीछे। अब इसकी देखिए, आप गर्दन इसकी काफी रिलैक्स है, तभी ये स्ट्रेच कर पा रहा है। ये चीज मैं करूंगा तो मेरी पोजीशन देख लीजिए। टाइट करना है ट्रेपेजियस को, शोल्डर को, और पीछे की तरफ देखना है। और 60 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करते रहिएगा। अब दूसरी तरफ से शोल्डर को उठाओ, पूरा टाइट करो उसको, हाँ, इस तरह से नीचे ले जाके ऐसे, हाँ, अब स्ट्रेच करो, अब इस पे, हाँ, सारा फोकस आपका इस मसल पे सामने की तरफ रहेगा और ये मसल टाइट रहेगी। अगेन 60 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स आप रिपीट करते रहिए। एक्सरसाइज देखिए, आप दूसरी एक्सरसाइज आप देखना चाहेंगे वो ये है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज, ये वीडियो सबने देखी है और सबको अलग फील होता है कि किस तरह से टॉवल के यूज से आप अपनी नेक की एक्सटेंशन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आयुष इसको पकड़ लेंगे, पकड़ के एल्बोज ऊपर ले जाओ, गर्दन पीछे खींचो, पुल करो गर्दन के नीचे, पूरा पीछे, पूरा पीछे आते हैं, यहां से लाना एक साइड से, हाँ, बाइसेप्स को टारगेट नहीं करना है, सारी चीजें गर्दन के नीचे। अब कोई प्रेशर आ रहा है, फील हो रहा है गर्दन पे, अपर बैक पे फील हो रहा है प्रेशर, कितना कम ज्यादा, मतलब धीरे धीरे स्पाइन से प्रेशर टेबल होते हुए नीचे जा रहा है और गर्दन से ही निकल रहा है, निकल रहा है। तो अगर किसी की बैक टाइट होगी तो वो इतना पीछे नहीं जा पाएगा, राइट, है ना, तो वो सीधे इस पोजीशन में भी गर्दन को ऊपर खींच सकता है जितना एल्बोस क्लोज ला सकता है, हाँ, बैक को रिलैक्स करते हुए खींचो जितना खींच सकते हो। ये भी आप 30 सेकेंड्स 1 मिनट करें, ज्यादा से ज्यादा एक साथ इंक्रीज ना करें। सेम दूसरी चीज इसको पकड़ लेंगे यहीं पे और हाथ को ऊपर स्ट्रेच करो पूरा। ये बॉब एंड ब्रेड ने नहीं बताई थी, मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर, हाथ एल्बो स्ट्रेट करने की कोशिश करो, ऊपर स्ट्रेट करने की, हाँ, स्ट्रेट कोशिश करनी है, करना नहीं है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। आया प्रेशर ज्यादा आया, कंपैरेटिवली कम था, कम था, तो और दोबारा करेंगे, गर्दन तो सीधी रखो, गर्दन यहाँ झुकी रहती है सीधी, बस वेरी गुड, रिलैक्स। अब सेम चीज आप साइडवेज भी कर सकते हो, दोबारा करेंगे गर्दन कोई इस तरह से, अब गर्दन में आ रहा है प्रेशर साइड में, अपोजिट साइड, अपर साइड इसमें आ रहा है, वेरी गुड। अब स्ट्रेच करेंगे वेरी गुड। अब दूसरी तरफ स्ट्रेच करेंगे, पुल करेंगे वेरी गुड अगेन। तो अब आयुष ये बताओ, ये तीन एक्सरसाइज बताई हैं, सबसे ज्यादा बेटर किसमें लगा? फर्स्ट और लास्ट। तो देखिए, जस्ट मैंने अभी कुछ सेकंड पहले वीडियो देख के आपको एक्सरसाइज करना सिखाया। ये आयुष का रिव्यू है कि उसको सबसे ज्यादा जो नेक में स्ट्रेच आया, फील हुआ, वो था इस एक्सरसाइज में। आयुष दोबारा दिखा दो, हाँ, इसको गर्दन को, शोल्डर को टाइट करते हुए इससे भी प्रेशर लगाना है, पुल करना है और सारा ये स्ट्रेच होगा। सेम चीज उस तरफ, रिलैक्स। तो ये क्विक एक्सरसाइजेस थी, और इसके साथ ही और दूसरी एक्सरसाइजेस, सिंपल एक्सरसाइजेस जो आप सब जानते ही हैं, करते ही रहते हैं, वो है शोल्डर को रोटेट करना है। शोल्डर रोटेट पूरा ऊपर उठा के रोटेट, सामने पीछे, हाँ, गर्दन सीधी, हाँ, पूरा वो, और इसी को एक आगे पीछे दोनों हाथों से पूरा पीछे और सामने क्रॉस करेंगे, हाँ, वेरी गुड। ये अपर बैक के लिए होगी,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपका भी इससे फायदा होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें लिखें और ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछें। हम कुछ दिन कोशिश कर रहे हैं कि एक्सरसाइजेस के ऊपर ही आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।